हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग आज की मार्केट की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। पिछले 5 दिनों से लगातार कंसोलिडेशन फेज में मार्केट है और आपको कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं 36 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 17,900 का लेवल ब्रीच हो चुका है और उसके नीचे के दिन आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 830 और 850 का लेवल यहाँ पे आपको काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट के तरीके देखने को मिलेगा, क्योंकि 2-3 बार आपको यहाँ पे से मार्केट जो है सपोर्ट लेती हुई नज़र आ चुकी है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी। आज के दिन के अगर टॉप गेनर की बात करें तो SBI लाइफ, मारुति, एशियन पेंट, टाटा मोटर, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक आपको काफ़ी अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नज़र आए। वहीं अगर हम लोग बात करें किसकी वजह से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो आपको देखने को मिलेगा ब्रिटानिया, रिलायंस, UPL, IOC, एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज शेयर में आज आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही छोटी कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आज के दिन 5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। ऑलरेडी मैंने कई बार इसके ऊपर वीडियो बनाया है दोस्तों, बहुत नीचे के लेवल से बनाया है। आप लोग ने अगर तब ये स्टॉक लिया होगा तो आज आप लोग लगभग 70-80% प्रॉफिट में आराम से बैठे होंगे। अगर आप लोग देखेंगे आज के दिन इसमें काफ़ी तगड़ी बाइंग होती हुई नजर आई। दोस्तों, कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए वो काफ़ी शानदार थे, जिसके चलते यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा मौका मिल रहा है बाइंग करने का। एक चीज़ जरूर देखना चाहूँगा मैं, यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं आप लोग काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 43 का लेवल बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस की तरीके फेज होता हुआ नज़र आ रहा है। कल के दिन अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, 5% का एक और सर्किट अगर लग जाता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही आसानी से इसमें 50 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसी साल के अंदर। देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ आप लोगों को यहाँ पे पिछले 2 दिनों से लगातार सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे वापस से बाइंग लौटती हुई नज़र आ रही है। सारे सारे इन्वेस्टर आपको यहाँ पे खरीदारी करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इसका जो कंपनी का बिजनेस है बहुत तेज़ी से यहाँ पे आपको ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग देखें इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने पेश किए। 235 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। सेल्स देख सकते हैं 1692 करोड़ की सेल्स, जो कि लास्ट क्वार्टर से बहुत ही बेहतरीन है, और लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी देख सकते हैं लगभग 50% का जंप आपको देखती हुई नजर आई थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने आग लगा रखी है। देख सकते हैं लास्ट ईयर 304 करोड़ का प्रॉफिट और इस साल ट्रेडिंग 12 मंथ में 630 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करके दिखाया है। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके चलते आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लो आपको इस कंपनी में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में 1.60% का स्टेक होल्ड करते थे कंपनी में FIIs, उसके बाद बढ़ा के 2.14 का हो गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे थोड़े ही क्वार्टर पहले यहाँ पे प्रमोटर ने भी खरीदारी करी थी 71.84 से 73 का स्टेक हो गया था। केवल और केवल पब्लिक यहाँ पे स्टेक पर बेच रही है। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जिस भी टाइम में आपको जिस भी स्टॉक में जो ट्रेंड चल रहा हो उसमें आपको हमेशा प्ले करना चाहिए। अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बनता। अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े प्रमोटर हैं, वो बाइंग करके चल रहे हैं, और अगर आप लोग बेचेंगे इस स्टॉक को तो आप लोगों की वो सबसे बड़ी गलती होगी। देख सकते हैं यहाँ पे केवल और केवल पब्लिक ही माल बेच रही है। 25% का स्टेक, फिर 22% का स्टेक, फिर 48 से 22.40, वहीं पे 21.99। मतलब कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि केवल पब्लिक ही यहाँ पे माल बेचती हुई नज़र आ रही है। और ये अक्सर हर स्टॉक में होता है, जैसे ही पब्लिक नीचे के लेवल पे स्टेक बेच देती है, वैसे ही वहाँ पे बड़े प्रमोटर, बड़े इन्वेस्टर आके बाइंग करते हैं और स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, उसको पंप करते हैं। डेफिनेटली जब वो स्टॉक ऊपर आ जाता है, तब वो वहाँ पे आपको सेल करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों को स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से एग्जिट लेना चाहिए। मुझको पर्सनली लगता है कि आसानी से 50 रुपये के लेवल आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि आप लोग रैली देख सकते हैं, वन वे रैली चल रही है इस स्टॉक के अंदर। एक साल के अंदर 470% के रिटर्न, मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं पैसे को लगभग 5 गुना इस स्टॉक ने कर दिया है। 7-5 रुपये का स्टॉक हुआ करता था लास्ट ईयर। देख सकते हैं प्राइस 43 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और ये यहाँ पे भी नहीं रुकने वाला। डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी ऊपर के लेवल ये स्टॉक दिखाने वाला है। अगर हम लोग मैक्स रिटर्न देखें तो दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा स्टॉक आज का नहीं है, बहुत पुराना है, 2001 का स्टॉक है, और रैली 8,510% की दिखा चुका था। मतलब कि 86 टाइम आपके पैसे को कर दिया इस स्टॉक ने। तो आप लोगों को दोस्तों समझना चाहिए, अगर आप लोग किसी छोटी कंपनी पैनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, छोटी कंपनी तो नहीं है, 21,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंपनी ने अभी
रिसेंटली थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने स्टार्ट किया है। यहाँ देख सकते हैं 0.50 रुपीज के आसपास का स्टॉक था। उसके बाद अगर 2013 की बात करें तो भी आपको देखने को मिलेगा 0.77 रुपीज के आसपास का स्टॉक हुआ करता था। मतलब कि 2013 तक कोई भी इस स्टॉक में ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। इसने जो भी रैली दिखाई है 2013 के बाद दिखाई है, और इस चीज को आपको समझना चाहिए कि कंपनी अब अच्छा परफॉर्म करने लगी है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस पर नजर बनाए रखनी है। अगर आप लोगों के पास है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बेचने का कोई भी यहाँ पे आपको मौका नहीं है और ना ही बेचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए आप लोगों ने जब भी इस स्टॉक को लिया होगा तो डेफिनेटली कुछ सोच के लिया होगा, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 1-1.5 साल में ऑलरेडी बहुत हैवी रिटर्न डिलीवर करके दिखाया है। 5 साल की रैली देख सकते हैं 729% की रिटर्न, और बहुत सारे आप लोग देखेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके अंदर टारगेट 100 रुपए के भी दे दिए हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज में देखना चाहिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है कि नहीं कर रही है। और कंपनी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है। कंपनी में थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा है, जैसे कि देख सकते हैं 1327 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी के रिजर्व भी काफी है, 3000 करोड़ के आसपास का कंपनी का रिजर्व है। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें देखने के बाद एक चीज समझनी चाहिए, कंपनी ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है। तो अभी अगर आप लोगों को लेना चाहते हैं तो मैं फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर ऑलरेडी इसने काफी ज्यादा पैसा बना दिया है अपने इन्वेस्टर का। तो यहाँ से अगर आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो थोड़ी बहुत वो गिरावट नहीं होगी, कम से कम 30-35% के आसपास की यहाँ पे आराम से करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस सब चीजों से आप लोग दूर रहिए, मार्केट में और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस गिरावट में आप लोग देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक में काफी ज्यादा करेक्शन आ चुका है, बहुत सारे आईटी स्टॉक हैं, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे, वो भी आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन सब चीजों में आप लोगों को काफी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का मौका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें मेरे चैनल पर जरूर बताई जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार अच्छी न्यूज बताने की कोशिश की जाती है और अच्छे से अच्छा स्टॉक ढूंढ के बताने की कोशिश की जाती है। तो डेफिनेटली अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।